टाटा ग्रुप, इंडियाज लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट, इज रिपोर्टेडली नियरिंग इन कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इंडिया के साथ हमारे तालुकात जो हैं वो कैसे आप देखते हैं? इंडिया में भी बहुत तब्दीली आने वाली। दोस्तों, पाकिस्तान का फट गया डोल, बीच बजरिया खुर गई पुल। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटल। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो 341 बिलियन डॉलर है। कोई कंट्री हम पे जो है वो एतबार नहीं करता जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे। अगर ये कहा जाए कि दिस इज कंप्लीट इंडियन टेक ओवर तो क्या ये गलत होगा? अब हर एक बच्चा जो पैदा होता है पाकिस्तान में, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन उसके सर पे 3,21,341 रुपए कर्ज चढ़ जाता है। इंडिया के नौजवान दुनिया की 25 से 30 बड़ी बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर पावर के लिहाज से, इकोनॉमिकल लिहाज से कौन ज्यादा मजबूत है, हम या इंडिया? हम मजबूत है सर, थोड़ा बताएं हमारे ऑडियंस को। आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के एक थिंक टैंक ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है, और ये कहा है कि बॉस तुम एक बारूद के ढेर पे बैठे हो, किसी दिन भी गुड नाइट तुम्हारा हो सकता है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी, क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी? मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है वहां पे, बहुत मार धाड़ और मस्जिदों पर ज्यादती हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ कमी हो रही है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे, क्या वजूहत है, क्या सरकमस्टेंस? अगर ये कहा जाए कि दिस इज कंप्लीट इंडियन टेक ओवर तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस वर्ल्ड को इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है, और ये जो इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। टॉप ब्रांड्स इन इंडिया, एप्पल को वो ले आए, टेस्ला को वो ले आए, तो सर वो कहाँ पे है, आप उनका क्या फ्यूचर देखते हैं? उनका मिशन 2047 है, एक डेवलप इंडिया का ख्वाब सबकी नजरों में है, तो सर ये तो बहुत बड़ी हमारे पड़ोस में हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मौजूद है। बिल्कुल, तो चलिए पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या चल रहा है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए। टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है, और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे, क्या वजूहत है, क्या सरकमस्टांसिस है कि 77 साल हो गए हैं मुल्क पाकिस्तान को बने लेकिन ना सियासी स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही मुल्क की जीडीपी कोई हैंडसम है। देखिए इस टाटा की आपने मिसाल दी है, इस जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं, एंड दे आर द बिलियनेयर, ठीक है, ये बिलियनेयर कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे, उनकी अब जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है, वी डोंट इवन हैव, कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूजन के शिकार हैं, उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि अब क्या होने वाला है, कब उस पर हम पेपल को कब तक यहाँ पे ला रहे हैं। अमेज़न बैन हो गया, अच्छा बलाया हुआ। जी बिल्कुल, देखिए अमेज़न तो इट्स सो फार, इट्स अ फार रिलेटेड थिंग है कि अमेज़न से पहले हमारे पास, हम अपनी जो, आप ट्विटर को देख लें, आज हमारा पोलिटिकल इतना क्राइसिस है कि ट्विटर भी ब्लॉक है इस टाइम तक, ठीक है। सो जब तक हम अपने पोलिटिकल क्राइसिस से ओवरकम नहीं करेंगे, हम अपनी देखें, हम कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर इंडेक्स है, आपकी बहुत सी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, सो यू हैव टू कवर द बेसिक्स, उस पर आपको ओवरकम करना पड़ेगा अपनी जो आपकी देखें एक परसेप्शन होती है ओवरऑल, हमारी परसेप्शन ओवरऑल बहुत डाउन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, कोई कंट्री हम पे जो है वो एतबार नहीं करता जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे। दुनिया, एक मैं आपकी बात काटी, दुनिया हम पे कैसे एतबार करे, हमारा जो भी वजीर आजम आता है पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि हमने इतने करोड़ों रुपए की चोरी की, हम चोर, हम चोर, तो जो चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं तो वो चीज़ तो फिक्स हो गई है, अब कौन चोर मुल्क में आएगा, अब कौन चोर डाकू पे यकीन करेगा? देखिए बिल्कुल आप बात ठीक कर रही हैं, इसके लिए हमें ग्रेजुअली अपने आप को कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना है, कॉन्फिडेंस रिबिल्ड जो होता है दैट्स अ प्रोसेस, इट डजंट कम ओवरनाइट, वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ग्रेजुअली इसको रिबिल्ड करना है, इट टेक टाइम, उसके लिए हमें लीडरशिप चाहिए। सो किसी भी कंट्री का लीडर होता है जो कि अपनी कंट्री का एक आपको एक स्टैंड अप, एक मोमेंटम देते हैं और कंट्री थोरोली फिर उसके ऊपर आती है, और फिर आपको जो है, आप देखें आपके सामने एग्जांपल्स है, बांग्लादेश इज़ नॉट सो फार, हमारे से ये लगा हुआ है, लुक एट देयर जीडीपी टुडे, कि वो कहाँ खड़े हैं,
उनकी आप जीडीपी ग्रोथ देख लें, उनकी करेंसी देख लें, हमसे वो कितने आगे निकल गए, इसी तरह हम सब कॉन्टिनेंट में सबसे पीछे रह गए। उसकी जो रीजंस हैं वो बहुत है, बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर हम डिटेल में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, सो वी वांट इनफ फॉर द डे। इसमें हमें कि टॉप कंपनीज के सीईओ, लेकिन सर ये मुझे बताए ना कि इंडिया की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर की है सर, सब वहां पर आते हैं, दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं, टॉप ब्रांड्स इन इंडिया, एप्पल को वो ले आए, टेस्ला को वो ले आए, तो सर वो कहाँ पे है, आप उनका क्या फ्यूचर देखते हैं, उनका मिशन 2047 है, एक डेवलप इंडिया का ख्वाब सबकी नजरों में है, तो सर ये तो बहुत बड़ी हमारे पड़ोस में हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मौजूद है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, देखें असल में इंडिया जो है ना, उनका जो जीडीपी जस्ट एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इफ़ यू लुक एट द सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा उनके उनका उनकी उनकी जीडीपी एज पर कैपिटा जो है वो उन्होंने है ऐसे ओवर डे नहीं किया, उनकी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर उन्होंने उनकी लीडरशिप ने शुरू से वो स्टेप लेते रहे हैं। आप देखें पिछले 4-5 साल का उनका आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, यू विल सी कि उनकी स्टैटिस्टिक्स कितनी ग्रो की है उन्होंने। ये जो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिए कि फेसबुक, अमेजोन जैसे लेकिन कंपनीज वहाँ पे आकर उन्होंने अपने ऑफिसेज बिल्ड किए हैं, तो इट जस्ट डजंट कम लाइक दिस। उनको वहाँ पे सबसे देखें किसी भी इकोनॉमिकल कंट्री में अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सबसे पहले इंडिकेटर होता है सिक्योरिटी। सही बात है, ठीक है, इंडिया जो है वो सिक्योरिटी दे रहा है और बड़ी कंपनीज़ को एक रिलायबिलिटी हो रही है, उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे आएंगे हम सेफ जोन में हैं। ठीक है, आप अपनी कंट्री में हम किस किस को हम PSL अभी हो रहा है आपके सामने ही है, ठीक है, हम अभी भी बड़े खच्चे में होते हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा कोई चीज़ ना हो जाए। ठीक है, सो देखें अभी तक आपके फॉरेन प्लेयर्स फॉरेन लोग यहाँ पे आने से कतराते हैं, सो सिक्योरिटी इज़ द मेन एंड अपमोस्ट आपका जो पहला इंडिकेटर है, वी हैव टू वर्क ऑन। स्ट्राइकें होती हैं, आवाम किसी भी चीज़ पे हल्ला बोल देती है, जब लास्ट टाइम मर्सिडीज़ का जो यहाँ पर आपको पता है उसका शोरूम जला दिया गया, तो सर हम जैसे काकड़ साहब 15-16 महीनों के लिए वज़ीर आज़म बने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इंडिया से कश्मीर के लिए 300 जंगें करेंगे, सर ये शायद मजाक में बात करते हैं या फिर इनकी नॉन सीरियसनेस है, लेकिन ये चीज़ जब आलमी दुनिया में जाती है तो वो पाकिस्तान के अंदर अमन को बहुत लो लेवल पर कंसिडर करते हैं और इंडिया को बहुत, वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो 341 बिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन 365 बिलियन डॉलर का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी, क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं है, क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है, ये तो एक है ना, ये तो एक है। ठीक है, अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक एक चीज़ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर जिसे वो कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से, पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है, सऊदी अरामको के साथ, हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ, वो कहते हैं सॉरी भाई हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज़ बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री, इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो, अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड, ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड। ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कॉम्पिटिशन कोई नहीं है, दिस इज वॉट दे आर सेइंग। ठीक है जी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। और जो टाटा ग्रुप है, ठीक है जी, अगर इसी को सिर्फ देख लिया जाए, टाटा मोटर्स है एंड रेंट है, टाटा मोटर्स एंड रेंट है, उसके बाद टाटा पावर है, फिर उसके बाद TCS है जिसे कहेंगे ना, ये टाटा टेक्नोलॉजीज है, और ये इनकी वेल्थ कैसे जनरेट हुई है, फिर इनकी होटल चेन्स हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा, पता नहीं मैं देख रहा था इनकी लिस्ट टाइप होगी, जिससे ये पता चलता है कि ये तो भाई क्या है और क्या नहीं है।
उधर वो कहते हैं जी हमारा इकोनॉमी साइज तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, आपके पास क्या है, आप तो अभी नई हुकूमत आने वाली है, आप तो IMF के पास चले जाएंगे, जाके आप वहाँ पे लोन्स वगैरह ले लेंगे और आपने क्या करना, और कहेंगे और अपनी सॉवरेनिटी जो है वो है, जिसे बोलते हैं इंजर्ड सॉवरेनिटी,